हम लगातार आपको विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं। इस महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी अनूपगढ़ विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे किशनगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान अपने भव्य किलों और प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ रेत के पहाड़ों के साथ साथ बर्फ के पहाड़ भी पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट के बारे में, जिसे मार्बल नगरी भी कहा जाता है, जहाँ के फेमस डंपिंग यार्ड की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के अनुसार यहाँ कुल 2,58,860 मतदाता थे, जिनमें से 1,33,715 पुरुष और 1,25,143 महिला मतदाता थी। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ 1,95,448 लोगों ने वोट डाले थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक ने 82,678 वोटों से जीत दर्ज की थी और भाजपा उम्मीदवार विकास चौधरी के खाते में 65,267 वोट आए थे और उन्हें 17,452 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2023 यानी इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से विकास चौधरी मैदान में उतरे हैं, तो वही बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल 2,74,863 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो महाजन जाति के वोटर्स की संख्या करीब 23,000, ब्राह्मण 28,000, वैष्णव 12,000, राजपूत 15,000, रावणा राजपूत 7,000, राजपुरोहित 15,000, चरण 1,000, सिंधी 4,000, मुसलमान 14,000, कायस्थ 500, जाट 60,000, गुजर 15,000, यादव 4,000, राव 3,000, माली 12,000, साहू 4,000, कुमावत 8,000, प्रजापति 4,500, जोगी 500, रावत 300, टाक 500, खाती 4,000, सोनी 2,000, गाड़िया लुहार 2,500, बंजारा 1,500, दर्जी 3,000, सोनी 3,000, कीड़ 300, बागरिया 2,500, मेघवाल 4,000, बैरवा 10,000, रेगर 10,000, खटीक 3,000, हरिजन 2,500, नायक 1,500, धोबी 1,000, धोली 400, डाकौत 300, छनका 100, सरगरा 100, नट 100, भील 500, मीणा 1,000 और अन्य जाति के वोटर्स की संख्या करीब 3,763 है। अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट पर 2018 में कांग्रेस और भाजपा की दाल नहीं गली थी। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेश टाक ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहां इस बार भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।